चार दिन पहले अभी जो है धनंजय सिंह ने जो है चुनाव लड़ने का ऐलान किया सर जौनपुर से कृपा शंकर के सामने, और उसके ठीक बाद ही जो है कोई खबर नहीं है, ये तो कोई खबर नहीं है। ये है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, और सवाल इनसे पूछा गया बाहुबली नेता और बसपा के पूर्व सांसद रहे धनंजय सिंह के ऊपर। तब अखिलेश यादव ने कहा कि ये कोई सवाल ही नहीं बनता है। दरअसल ये सवाल क्यों खड़ा हुआ ये हम आपको बताते हैं। इस वक्त धनंजय सिंह चर्चा में है क्योंकि उन्हें एक अपहरण के मामले में दोषी करार दिया गया है, और जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तब वो कोर्ट में पहुंचे हैं, उनके ऊपर कभी भी सजा का ऐलान हो सकता है। लेकिन इस बीच बीती रात एक चर्चा शुरू हुई कि अखिलेश यादव और धनंजय सिंह के बीच एक मुलाकात हुई थी, उसकी कुछ तस्वीरें सामने आई। खबर की माने तो प्रतापगढ़ में एक शादी थी और उस शादी के दौरान अखिलेश यादव और धनंजय सिंह की मुलाकात हुई। हालांकि मुलाकात धनंजय सिंह ने खुद कोशिश की थी, वो अखिलेश यादव से बातचीत करने की कोशिश करते रहे। हालांकि अखिलेश यादव ये कहते रहे कि हम आपसे बाद में बात करेंगे, आप आकर मिलिए बाद में। ये पूरी प्रयास जो है हाथ पाँव जो है धनंजय मार रहे थे, और इसको लेकर तब से कई सारी चर्चाएं शुरू हो गई। माना यह गया कि जब से धनंजय सिंह का पत्ता कटा है लोकसभा चुनाव में, उनको ना तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट मिला, और चूंकि वो जेडीयू के हैं तो जेडीयू अब एनडीए गठबंधन में चला गया। पहले वो इंडिया गठबंधन से दावेदारी कर रहे थे, लेकिन अब चूंकि जेडीयू और नीतीश कुमार एनडीए में चले गए हैं तो अब एनडीए से दावेदारी कर रहे थे, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला। एनडीए कोटे में जौनपुर की सीट नहीं गई। बीजेपी ने जौनपुर से खुद के उम्मीदवार कृपा शंकर सिंह को मैदान में उतार दिया। कृपा शंकर सिंह पूर्व कांग्रेस के नेता हैं, महाराष्ट्र में गृह राज्य मंत्री रह चुके हैं। उनके आने के बाद धनंजय सिंह ने एक ऐलान किया था कि वो अब चुनाव लड़ेंगे। ये ऐलान उन्होंने लिखा था कि जीतेगा जौनपुर जीतेंगे हम। माना ये जा रहा है कि इसके बाद से धनंजय सिंह लगातार तमाम पार्टियों में टिकट के लिए हाथ पांव मार रहे थे, और ऐसी ही एक कोशिश वो इस शादी में भी करते नजर आए। जब उन्हें अखिलेश यादव दिखे तो उनसे मिलने की कोशिश कर रहे थे और टिकट के लिए कोई बातचीत, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन जब अखिलेश यादव से यही सवाल पूछा गया तो उन्होंने सीधे सीधे इसको घुमा दिया, बोला कि कोई सवाल ही नहीं। जरा सुनिए, जैसे नाम बदले जा रहे हैं उसके मायने क्या है कि मतलब ये लक्ष्मण को नाम बदला ऐसा है, आप सरकार बदल दो इनका नाम अपने आप बदल जाएगा। चार दिन पहले अभी जो है धनंजय सिंह ने जो है चुनाव लड़ने का ऐलान किया सर जौनपुर से कृपा शंकर के सामने, और उसके ठीक बाद ही जो है कोई खबर नहीं है, ये तो कोई खबर नहीं है। दरअसल संभल पहुंचे थे अखिलेश यादव सफिकुर रहमान बर्क के निधन के बाद, जो कि समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, और उनके टिकट भी दिया था संभल से वापस समाजवादी पार्टी ने। उनके घर पर पहुंचे थे, उनके पोते के साथ जो कि समाजवादी पार्टी से विधायक हैं उनके साथ बैठे हुए थे, तब ये उनसे सवाल पूछा गया। देखने वाली बात यह है कि अब जब धनंजय सिंह को लगभग माना जा रहा है कि उनको ऐसी सजा होगी कि उनका चुनाव लड़ने पर एक तरीके से संशय है, वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे अगर उनको 2 साल से ज़्यादा की सज़ा होती है, तो ऐसे में क्या उनकी पत्नी को कोई पार्टी टिकट देने जाएगी? क्योंकि उनकी भी बहुत चर्चा है कि अगर धनंजय नहीं लड़ते हैं तो उनकी पत्नी लड़ेंगी। लेकिन क्या समाजवादी पार्टी उनको टिकट देगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि अखिलेश यादव धनंजय सिंह के समर्थन में बीते दिनों रहे नहीं हैं। उन्होंने कई बार सवाल उठाया है कि कुछ जो हैं गुंडे बदमाश, उन्होंने धनंजय के लिए सब कहा था कि नज़र नहीं आते हैं, क्रिकेट खेलते हुए नज़र आते हैं, लेकिन पुलिस उनको नहीं पकड़ पाती है। अब देखने वाली बात यह है कि जो अखिलेश के साथ धनंजय ने कोशिश की थी वो कोई फलीभूत होती है। हालांकि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने ये कहा है कि इसका कोई सवाल नहीं बनता, तो ऐसा लगता है कि धनंजय को लेकर बहुत सीरियस नज़र नहीं आ रहे हैं अखिलेश यादव।